नमस्कार, नौभार टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजधानी रांची की 5 प्रमुख गतिविधियां आज इस तरह रही। झारखंड में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन और सामाजिक अंकेक्षण की बारीकियों को सीखने तथा उसे अपने राज्य में लागू करने के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी रांची दौरे पर पहुँचे। इस क्रम में उन्होंने झारखंड राज्य के मनरेगा मॉडल को समझने के लिए विभिन्न स्थलों का दौरा किया और बाद में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और मनरेगा आयुक्त के साथ बैठक कर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस क्रम में बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने झारखंड में लागू मनरेगा योजनाओं के मॉडल की काफ़ी सराहना की। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में भाषा विवाद को अब और अधिक तूल नहीं देने की ज़रूरत पर बल दिया है। रांची में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरजेडी की ओर से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। प्रदान करने का हम लोग काम करेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों पर विश्वास जताया। झारखंड का निवासी है, जो झारखंड का पैदा लिया हो, झारखंड का रहने वाला है, झारखंड में जो पढ़ा लिखा हो, झारखंड का रहने वाला है। उसके लिए करेक्टेरिया बनाया गया है कि झारखंड में हमारे जो भी साथी बिहार से हो, यूपी से हो, या कहीं से पूरे देश से लोग जो भी यहाँ आके बसे हुए हैं, उसके लिए ये क्राइटेरिया बनाया गया है। उस क्राइटेरिया के तहत जो झारखंड में रह गए, यहीं पले पोसे, जन्मे, यहीं तैयार हुए, पढ़ लिख करके अफसर बने, इंजीनियर बने या जो भी पदाधिकारी बने, तो उसको क्या भगा दीजिएगा? तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाया है, नंबर वन। नंबर दो में जितने भी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो हमारे झारखंड के अंदर 32 से लेकर के सारे लोग जो यहाँ रह रहे हैं, उसके लिए हम लोग सरकार में जो है यह तय किया गया है, उसको थर्ड ग्रेड नौकरी हो, फोर्थ ग्रेड हो, इसमें जो है 100% जो है उसमें झारखंड जो यहाँ का स्थानीय लोग है उसके लिए जो है उसको दिया जाएगा। इधर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भाषा से जुड़े मसले का समुचित हल निकालने के लिए सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक साथ मिलकर सर्वसम्मत हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा को बेवजह मुद्दा बनाकर सरकार मूल विषय से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। मैं पहले भी बोलता हूँ, देखिए, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, जो शहरी क्षेत्र है और खास करके जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर उस भाषा भाषी के लोग भी रहते हैं। अब रहा सवाल कि उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जब दूसरे राजभाषा ने इसको अपने स्थान दिया है, एक टेक्निकल चीज हो रहा है कि आप उसको नहीं रखेंगे तो कल जो है कोर्ट चले जाएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि सारे दल, जितने भी सियासी दल हैं, मैं तो कह रहा हूँ उससे भी आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि सियासी दल के अलावा सामाजिक संगठनों को भी इसमें बैठाना चाहिए। हजारीबाग के बरही में सरस्वती पूजा के दूसरे दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में मारे गए रूपेश पांडे की मौत और मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज रांची में मशाल जुलूस निकाला और पुतला दहन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन की चार दीवारी, वृक्षों तथा अन्य विभिन्न सामग्रियों पर बेहतर चित्रकारी करने के लिए कलाकारों को आज राजभवन के दरबार हॉल में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि चित्रकारों ने अपने अंदर निहित अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हुए उत्कृष्ट चित्रकारी के माध्यम से झारखंड की समृद्ध कला और विरासत को दर्शाया है। इनके द्वारा राजभवन में की गई सोहराई चित्रकारी अत्यंत ही सराहनीय है। राज्यपाल ने इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची से मैं रवि सिंह।